जनपद संभल के चंदोसी में कोतवाली प्रभारी ने नगर के संभ्रांत लोगों के साथ बैठक आयोजित की। आपको बता दें कि सीबीआई कोर्ट द्वारा 30 सितंबर को अयोध्या के मामले को लेकर बहुप्रतीक्षित फैसला आने की उम्मीद है। इसी को लेकर आज जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली परिसर में कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने शहर के सभी संभ्रांत व्यक्तियों के साथ एक बैठक आयोजित की और उसमें सभी से सीबीआई कोर्ट द्वारा आने वाले निर्णय के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस विषय में कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सीबीआई कोर्ट द्वारा 30 सितंबर को अयोध्या मामले में फैसला आने की संभावना है, जिसको लेकर शहर के संभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गयी। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें हमारी जनता का कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों पर अदालत द्वारा केस लगा हुआ है उनके बारे में फैसला आना है, अदालत के फैसले का हमने सम्मान करना है, हमने उसमें ना विरोध करना है ना खुशी जाहिर करनी है। हम तो एक वो है देखने वाले हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जो हमारे इंस्पेक्टर साहब ने मीटिंग बुलाई है इसमें उनका उद्देश्य ये है कि किसी तरह का शहर में वो ना हो। और वो हमारी चांदसी चंदोसी में गंगा यमुना की तहरीर है और हम जो है सहयोग बनाए रखेंगे और हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देंगे और किसी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं करेंगे। जो मीटिंग की गई है इसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ पर आए हैं, कोर्ट के फैसले को लेकर कोतवाल साहब ने कुछ आपको जी है। जी इसमें क्या बताएंगे क्या? इसमें जो सुप्रीम जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर जो डेमोलिश हुआ था उसमें एक FIR हुई है जिसमें कुछ राजनीतिक नेताओं के नाम हैं और उसकी सुनवाई जो है सीबीआई कोर्ट ने आज बहुत जमाने के बाद 30 तारीख को जो फैसला देने जा रहे हैं। तो मीटिंग का मकसद ये है कि यहाँ पे चाहे वो फैसला किसी के पक्ष में जाए या किसी के विरोध में जाए, ना हमें खुशी का इजहार करना है, ना हमें गम का इजहार करना है, ना हमें कोई प्रतिक्रिया बनानी है, बल्कि अपने शहर को अमनो अमान के साथ रखना है, भाईचारे के साथ रखना है और वो भाईचारा हमने किसी हालत में बिगड़ने नहीं देना है। दिनांक 30 सितंबर को सीबीआई कोर्ट का श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के संबंध में निर्णय बहुत प्रशिक्षित है। इसी संबंध में मेरे द्वारा संभ्रांत नागरिकों को बुलाया गया, उनसे वार्ता की गई और इस संबंध में आगाह किया गया कि चाहे कोई भी निर्णय आए हम लोग शांति व्यवस्था बरकरार रखेंगे।